अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। और इसके अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमने कवर किया है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क को कवर करके। अब हम आगे आ गए, अब हमारा टॉपिक है लैन वर्सेस वैन। ये 2.5 टॉपिक है हमारा बुक में और पेज नंबर 32। और जिसमें चूंकि हम आप कवर करेंगे लैन वर्सेस वैन को देखेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे मैन की तरफ भी जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की तरफ जिसे मैन कहते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लैन। लैन के नाम जैसे कि लैन से भी क्लियर है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका नाम लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आप जानते हैं कि आपकी कंप्यूटर की लैब जो कि आपके स्कूल में थी और आपके कॉलेज में भी है, तो लैन जो कि आपके एक स्कूल के अंदर एक लैब के अंदर कंप्यूटर लैब के अंदर जो 20-25 कंप्यूटर जो हम आपस में जोड़ते हैं उनको आपस में रابطہ करवा के उनको केबल्स के जरिए नेटवर्क बना के आपस में शेयरिंग करना, काम करना, रिसोर्स लिंक करना और चीज़ें एक दूसरे को शेयर करना और उसके जरिए से इंटरनेट का भी आपको जैसे आप बैठे होते हैं आपको इंटरनेट मिलता है, वो सारी की सारी चीज़ें इस नेटवर्क की वजह से आपकी अवेलेबल हुई हैं। तो आपस में 20-25 कंप्यूटरों को एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक कमरे के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर या 2-3 बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ना, इस सारा का सारा लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। उसमें दो या, मैं दोबारा बताता हूँ, उसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम आपस में अटैच करके आपस में उनका उनको किसके ज़रिए से कंप्यूटर्स हार्डवेयर हो गया, केबल हो गई, स्विचेस, कनेक्टर्स, राउटर के ज़रिए से आपस में लिंक करवाते हैं। तो ये हमारा कहलाता है लैन। इसके महदूद इसके वसाइल होते हैं कि इसको हम क्या क्या मेन काम आपने जो लैब में देखे होंगे कि प्रिंट भेजना है आपने, आप काम करते हैं सर मैंने प्रिंट भेजना है, तो उसको आपको बताते हैं कि भाई इस प्रिंटर का नाम शो हो रहा होता है उसके अंदर पहले से नेटवर्क के अंदर, वो जो प्रिंटर कंप्यूटर टीचर के कंप्यूटर के साथ पड़ा हुआ है प्रिंटर, वहाँ आपने प्रिंट भेजना है। तो आप उस अपनी फाइल को खोलेंगे या तो शेयर फोल्डर में डाल देंगे या उसको आप जो है वो प्रिंटर जो कि पहले से इसके साथ अटैच है उस वो प्रिंटर केबल के जरिए से अपना लिंक कर रहा है, आप अपनी कमांड भेजेंगे प्रिंट की और उस जगह पर जहाँ पर टीचर बैठा हुआ है वहाँ पर प्रिंट निकल आएगा। एक इसकी मिसाल है। इस तरीके से कोई फाइल शेयरिंग होती है, सर्वर के ऊपर फाइल शेयर की है उन्होंने, क्यों कहते हैं जी आप अपने शेयर फोल्डर में जाकर अपने लॉगिन से जाइए और शेयर फोल्डर में जाइए और आपका आपको फाइल मिलेगी, उस फाइल को आप खोल लीजिए और उस पर काम कीजिए। तो वो फाइल शेयर की गई है सर्वर के अंदर बैठकर और आपको यहाँ मिल रही है। फिर आपको दोस्त आपका कोई कुली के साथ बैठा हुआ कोई फाइल आपको देना चाहता है तो वो आप ले सकते हैं, उसको अपनी फाइल भिजवा सकते हैं। तो एक लिमिटेड एनवायरनमेंट के अंदर काम करने को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर ये कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर है, अब बुक से भी देख लेते हैं। जैसे कि ये सारे कंप्यूटर हमारे जो हम यूज़ कर रहे हैं क्या कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। इनको आपस में लिंक करवाना, उनके हार्डवेयर कंप्यूटर चूँकि एक हार्डवेयर डिवाइस, उसको हम हार्डवेयर का नाम दें, कंप्यूटर खुद एक हार्डवेयर है वो, और उसके साथ हमारा कुछ डाटा है जो उसके अंदर है और उसके टर्मिनल्स हैं जो कि केबलें हैं जिसे आपस में लिंक करेंगे। तो लैन हुक पर्सनल कंप्यूटर्स टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया सो दैट ईच कंप्यूटर कैन शेयर द रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको मिसालें दी कि हम कंप्यूटर शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की फाइलें शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एज द नेम इम्प्लाइज क्या है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क कवर्स शॉर्ट डिस्टेंस। जिसमें क्या मिसाल दी, एक कमरा या एक बिल्डिंग या दो या तीन बिल्डिंगें, यूजली वन ऑफिस, क्या कह रहा है, वन ऑफिस या एक बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं जी, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम 2.5.2। अब हमें स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 2.5.1 था, अब हम 2.5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर आ रहा है वाइड एरिया नेटवर्क, क्या कहते हैं इसको जी, वैन, या क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा जिससे ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा काम, हम आपके जहन में एक विजुअलाइजेशन आएगी, विजुअल बनेगा कि हाँ चीज़ ये है, ऐसे काम हो रहा है। तो पहले चीज़ को समझने के लिए अगर उसके एक डायग्राम सामने हो तो बहुत सारा इमेज अच्छा क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको डायग्राम बनाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, इसको हम नीचे वाला एरिया यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक एनवायरनमेंट है जिसमें कुछ कंप्यूटर्स हैं, छोटा सा बना लेते हैं ताकि आपको समझे, और एक यहाँ पर एक सर्वर लगा हुआ है और एक कंप्यूटर लगा पड़ा हुआ है, ठीक है। एक ये लोकल एरिया नेटवर्क है,
बस इसको हम आपस में लिंक कर रहे हैं, इसको हम लिंक कर रहे हैं आपस में इसके जरिए, इसकी तार के साथ जुड़ा हुआ है, किस तार के साथ, इसका नाम हमने रखा है, इसको हम नाम देते हैं वैन बैकबोन के नाम से भी कह सकते हैं। इस से ही आपस में जुड़े हुए हैं। ये मिसाल ये जो है ये लाहौर के अंदर है, ये लाहौर के अंदर है, और ये जो नेटवर्क पड़ा हुआ है जिसमें एक सर्वर है, एक कंप्यूटर है और एक बहुत सारे कंप्यूटर साथ अटैच हैं जी, ये आप समझ लें कि ये है कराची के अंदर। वैसे आप अमेरिका भी लिख सकते हैं, अमेरिका की स्टेट भी लिख सकते हैं, कहीं भी हो, लेकिन आपस में जो इनका लिंक किया गया हमने वैन बैकबोन के जरिए से इनका आपस में लिंक करवाया। एक यहाँ बच्चा स्टूडेंट बैठा हुआ है पीसी 1 के ऊपर और यहाँ पीसी 100 के ऊपर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम। ये दो जो कंप्यूटर्स आपस में लिंक करके आपस में बात कर रहे हैं, ये एक वैन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। ये सारी की सारी एनवायरनमेंट क्या है, वैन, जिसके अंदर एक सिटी का, एक कॉलेज का एक स्टूडेंट दूसरे कॉलेज के, दूसरे सिटी के दूसरे कॉलेज या दूसरे घर में बैठा हुआ एक स्टूडेंट उससे बात कर रहा है। ये जो आपसे बात हो रही है ये एक वैन एनवायरनमेंट है, ये एक वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें दो सिटीज इन्वॉल्व हैं, दो कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी कोई बंदा बैठा कहीं भी किसी से रब्ता करता है तो सब के सब वैन बैकबोन के अंदर आते हैं। मेरे आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी, अब इसको पढ़ते हैं। ये डायग्राम पिक्चर में भी दी, ये बुक में भी यही डायग्राम है। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क ऑफ ज्योग्राफिकली डिस्टेंट, यानी बहुत, यानी ज्योग्राफिकली, यानी जो हम फिजिकली इसको महसूस करते हैं वो फासला है। डिस्टेंट कंप्यूटर्स हैं, दूर दूर बैठे उनके टर्मिनल्स हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है जी। ए पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, मिसाल आप माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, सब लोग लैपटॉप है या कंप्यूटर है। सेंडिंग डेटा टू सम रिमोट एरिया, किसी दूर गाँव में या दूर किसी सिटी में, इस पर्पली सेंडिंग इट टू द मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। या वो किसके जरिए से, या वो मेन फ्रेम आपस में लिंक कर रहे हैं, या मिनी कंप्यूटर है, या माइक्रो है, कोई भी है। सिंस द लार्जर कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी एक्सेस बाय टर्मिनल्स, अब यहां पर उसने एक बात की है, टर्मिनल्स का नाम लिया है। अगर तो हमारा नेटवर्क बना हुआ है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और एक सर्वर से कंट्रोल किए जा रहे हैं, और एक कंप्यूटर नहीं रखा हुआ यहाँ पर, उनके सिर्फ कंप्यूटर, सिर्फ LCDs रखी हुई हैं और सारे के सारे एक सर्वर से कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो इनको हम टर्मिनल्स बोलते हैं। वरना हम इसको लैब के अंदर कंप्यूटर CPU कीबोर्ड माउस और पूरा LCD पड़ी हुई है तो वो क्या कहलाता है, वो टर्मिनल नहीं कहलाता, वो वर्क स्टेशन कहलाता है। हाँ, लेकिन एक सर्वर से सिर्फ जुड़े हुए हैं और तारों से इनकी मोनिटर्स को जोड़ा गया सिर्फ और CPU साथ नहीं है तो इनको हम टर्मिनल्स बोलते हैं। और इसके लिए इसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है तो यहाँ से ऑपरेट होता है सर्वर से और वो इसको चलाता है। वो उसे सर्वर की, उसने टर्मिनल की मिसाल दी है कि किसी एनवायरनमेंट में टर्मिनल्स पड़े हुए हैं जो कि रब्ता कर रहे हैं किसी और इक्विपमेंट के साथ। सिंस द लार्जर कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी एक्सेस बाय टर्मिनल्स, ए PC कैन कम्युनिकेट विद लार्जर कंप्यूटर्स, एक कोई भी कंप्यूटर विद लार्जर नेटवर्क के साथ रब्ता कर सकता है। ओनली इफ द PC इमिटेट्स टू बी ए टर्मिनल, अगर वो टर्मिनल से इमिटेट, उसको रब्ता करने के लिए उसको इमिटेट करता है कि मुझसे रब्ता करो। दिस इज मेड पॉसिबल बाई यूजिंग टर्मिनल, ये कब होगा, जब टर्मिनल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर ऑन द PC के ऊपर इंस्टॉल हुआ हो फिर वो काम करेगा। द लार्जर कंप्यूटर्स कैन कंसिडर द PC और वर्क स्टेशन, या PC हो या वर्क स्टेशन हो जो किस सर्वर से जुड़ा होता है, एज जस्ट अनदर इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी आपने यहाँ से यहाँ रब्ता करना है। वैसे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी इस बात को इस तरह से बताना, हम एक वैन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसने चूंकि बड़ी कंपनी के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं तो उसके अंदर एक टर्मिनल, एक कंप्यूटर सर्वर और एक टर्मिनल से अटैच हुआ है, इसलिए इस बात को उसने खोल के बयान किया। लेकिन अगर हम सिंपल मिसाल देते हैं, एक कंप्यूटर एक घर में और एक कंप्यूटर दूसरे घर में पड़ा हुआ है कराची अमेरिका यूरोप के अंदर, तो ये हमारी वैन की मिसाल में कवर हो जाता है। लेकिन इसने जो मिसाल दी है कि वो देता है कि एक कंपनी है जैसे बहुत सारे टर्मिनल्स पड़े हुए हैं जो सर्वर के साथ अटैच हैं और सॉफ्टवेयर के जरिए से काम कर रहे हैं, तो हम उनको इनपुट आउटपुट डिवाइस के जरिए से हम रब्ता करते हैं। आगे इसके सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। द लार्जर कंप्यूटर्स टू विच द टर्मिनल PC इज अटैच इज कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर, ये जो इससे रब्ता कर रहा है इसके साथ ही क्या कहलाएगा, होस्ट कंप्यूटर, क्या कहलाएगा, होस्ट कंप्यूटर, मेजबान, ठीक हो गया, जिसने राबता के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। PC इज बीइंग यूज एज ए टर्मिनल, और एक कंप्यूटर जो यहां पर जो यूज हो रहा है टर्मिनल का तो भी यूज हो रहा है, सिर्फ उसमें LCD रखी हुई है और उसके साथ कीबोर्ड रखा हुआ है।
फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल हुआ हुआ है, यूजर्स टू डाउनलोड डेटा फाइल्स फ्रॉम द होस्ट और अपलोड फाइल, यहां से डाउनलोड भी कर सकता है, अपलोड भी कर सकता है फाइल टू द होस्ट, यानी इस होस्ट ये जो मेजबान नेटवर्क है तो ये डाटा काम कर रहा है, जो दूसरों के साथ रब्ता कर रहा है ये इससे डाटा डाउनलोड कर रहा है और ले रहा है। टू डाउनलोड फाइल मीन्स टू रिट्रीव इट फ्रॉम अनदर कंप्यूटर, अब ये फाइल जो डाउनलोड करके यहाँ लेकर आ रहा है और अपलोड कर रहा है किसी दूसरे कंप्यूटर से, एंड टू सेंड इट टू द कंप्यूटर, और दूसरे नेटवर्क पे इसको भेज रहा है, यहाँ से डाउनलोड भी कर रहा है, अपलोड भी कर रहा है और आगे कंप्यूटर को भेज भी रहा है, ठीक है। ऑफ द यूजर हु रिक्वेस्टेड द फाइल, जैसे कहा जी मुझे फाइल चाहिए, टू अपलोड ए फाइल कि उसने मांगी है इधर से, तो ये इसके जरिए से इसको भिजवा रहा है, सही है। ए यूजर सेंड ए फाइल टू, तो यहां से इस नेटवर्क के जरिए से ये फाइल यहां पर जाएगी, इस नेटवर्क एनवायरनमेंट के जरिए से फाइल इसके सर्वर में होती हुई इस कंप्यूटर के पास चली जाएगी या इस कंप्यूटर के पास चली जाएगी। यानी असल में बात समझाने का मकसद था, अगर आप इसकी मिसाल सिंपल ले लें कि हमारी लैब में सर्वर लगा हुआ है, हमारा कंप्यूटर जो है वो 10वें नंबर पड़ा हुआ है, हम वहाँ से सर्वर के जरिए से इंटरनेट के जरिए से हम रब्ता कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर किसी, चाहे हम व्हाट्सएप या ईमो या सिंपल चैटिंग सॉफ्टवेयर है या फाइल ट्रांसफर या ई मेल है, हम वहाँ से सर्वर को देते हैं, सर्वर हमारा जो है नेटवर्क बना के हमें जो है उससे रब्ता जैसे हमारा हो रहा है, रब्ते के जरिए से फाइल को वहाँ पर भेजता है और उसके कंप्यूटर पर सर्वर पर जाती है और वहाँ से उसके कंप्यूटर पर पीसी 1 या 2 या 3 4 जिस पर बैठा हुआ है उस पर फाइल पहुँच जाती है। आम अल्फाज में इसको यूं समझ सकते हैं, ऑल द कम्युनिकेशन अक्रॉस द वैन इज मेड पॉसिबल वाया ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस के जरिए होता है। अगर टेलीफोन लाइन से हम लोग अपना नेटवर्क इंटरनेट की सर्विस लेते हैं वो वैन के साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वैन नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है, यानी सब दुनिया के हम लोग को आपस में जोड़ना वैन कहलाता है। हम टेलीफोन लाइन के जरिए से रबते में आए हैं, अब टेलीफोन लाइन की जो हमारी कंपनी APDC है उसने कैसे रबता किया ये उसका मसला है, हो सकता है उसने रबता सैटेलाइट से किया हो सकता है उसने फाइबर ऑप्टिक जो बिछी हुई है पूरी दुनिया में उसके साथ रबता हो रहा हो। आमूमी तौर पर टेलीफोन रबता हमारी कंपनी PDCL के साथ जो दूसरे मुल्कों के साथ होता है वो फाइबर ऑप्टिक से होता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हमारा डाटा लाखों लोगों का डाटा एक वक्त में आ रहा है जा रहा है, उसके लिए सेटेलाइट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, उसके अंदर ब्रेकेज के चांसेस हैं। लेकिन फाइबर ऑप्टिक जो है वो बहुत हाई लेवल का ब्रॉडबैंड है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ है, बहुत ज़्यादा स्पीडी डाटा जाता है, इसे उसको यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने मिसाल दी कि जी हम टेलीफोन लाइन से भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव से भी कर सकते हैं या सैटेलाइट से भी कर सकते हैं। टिपिकली वैन इज टू और मोर लैंस, वैन क्या बेसिकली दो मुल्कों का लैन आपस में मिला दें, दो शहरों का दो लैन, जैसे एक लैन और इस लैन को वैन बोर्ड बैकबोन के जरिए मिला दिया तो ये वैन बन गया, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा वैन। आसान अल्फाज में दो लैन जो दो सिटीज में पड़े हुए उनको आपस में लिंक करवाया वैन बैकबोन के जरिए तो वो क्या बन गया वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन जी। द टिपिकली वैन इज टू और मोर लैंस कनेक्टेड टुगेदर अक्रॉस ए वाइड ज्योग्राफिकल एरिया यूजिंग द कनेक्टिविटी मेंशन अबव, जैसे हमने समझाया इस तरीके से आपसे रब्ता करते हैं। द इंटरनेट इज द अल्टीमेट वैन, अब इसको आप दूसरे बात में भी हम आपस में जो हम रब्ता करवाने के लिए जो कंपनी है जो सोर्सिंग जो एक दूसरे अटैच करवाते हैं उसका नाम हम इंटरनेट देते हैं, भाई इनका रब्ता आपस में इंटरनेट के जरिए से हो रहा है। वैन बिकॉज इज अल्टीमेट वैन बिकॉज इट इज कनेक्ट्स मैनी थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड लैंस अराउंड द वर्ल्ड अल्टीमेटली मेकिंग इट से, और फिर इसका हम दूसरा नाम दे देते हैं वर्ल्ड वाइड वेब WWW, जो कि हमारी वेबसाइट्स हैं जो वेबसाइट की सोर्सिंग करती हैं उन्हें प्रोवाइड करती हैं वो हमारी WWW वर्ल्ड वाइड वेब कहलाती हैं, यानी इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब जो बना है वो आपस में एक दूसरे को रब्ता करने का जरिया है। ये था जी हमारा वैन लैन वर्सेज वैन, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, और यानी ये टॉपिक आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गया, इसमें एक चीज़ रह गई, अब हम लैन भी हो गया वैन भी हो गया, अब इससे अगली चीज़ असल में इसके दरमियान में आती है, लैन के बाद मैन आना चाहिए क्योंकि उसको हम दो, इसको थोड़ा सा हम यहाँ क्लियरिफाई कर लेते हैं। अगला एक टॉपिक हमारा है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अगर हम अपनी रेंज को बढ़ा दें, लैन तो है एक बिल्डिंग के अंदर लैन है ये दो बिल्डिंग है, अगर दो एरियाज को तीन एरियाज को एक सिटी को हम आपस में लिंक कर दें, लेकिन उसके अंदर हमने आपस में ही लिंक करना है हमें किसी इंटरनेट की वैन की जरूरत नहीं है, तो उस सूरत में उसको हम मैन का नाम देते हैं, यानी हम एरिया नंबर 1 के अंदर एक नेटवर्क है, इधर एरिया नंबर 2 में और इधर एरिया नंबर 3 के अंदर एक नेटवर्क है हमारा एरिया 2, इन नेटवर्क्स को आपस में हमने आपस में जोड़ा हुआ है और
ये आपस में रابते में हैं, ये जो हमारा है आपस में सिर्फ तीन नेटवर्क को, चार नेटवर्क को आपस में मिलाना, ये हमारा मैन कहलाता है। इसको पढ़ लेते हैं, ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क कवरिंग ए ज्योग्राफिक एरिया द साइज ऑफ ए सिटी। क्या मैंने आपसे बोला कि तीन एरियाज को मिला दिए, पांच एरिया को मिला लें, दस एरियाज को मिला लें, लेकिन आपकी रेंज जो है वो आपकी एक सिटी है, एक सिटी को कवर कर रहे हैं आप। द पर्पज ऑफ ए मैन इज ऑफन टू बाईपास द लोकल टेलीफोन कंपनीज को, ताकि हम नहीं चाहते कि हम इंटरनेट की सर्विस, सर इस काम के लिए हम इंटरनेट की सर्विस भी लें, पूरी दुनिया से रब्ता करवा के हमारी ई मेल यहाँ पहुंचे, नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा काम आपस में लिंक होता रहे। हम तीन कंपनियां हैं, शहर में ही हैं, हम आपस में लिंक करना चाहते हैं, हमें मैन का नेटवर्क बनाते हैं और हम काम कर रहे हैं। इसको हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं, हम अपनी बिल्डिंग के ऊपर एक छोटा सा राउटर लगाते हैं, अगर तो वो सामने बिल्डिंग है 500 मीटर की रेंज के अंदर, 100 मीटर की रेंज के अंदर, 300, 400, 500, तो हमारा छोटी जो डिश एंटीना इतने साइज के ओमनी एंटीना हम लाते हैं छोटे वाले, वो लगाएं तो तभी रब्ता हो सकता है। अगर ये 2 किलोमीटर से लेकर 5-10 किलोमीटर दूर है तो फिर हम क्या करते हैं, डिश माइक्रोवेव लगाते हैं, बड़ी माइक्रोवेव जो आपने टावर्स के ऊपर लगी देखी होगी, जो हमारे मोबाइल टावर्स के ऊपर, वो वाली डिश अगर उस साइज़ की एक मिल जाती है, वो अगर हम ये हमें अवेलेबल होती हैं, जो कंपनीज जो हैं वो लेना चाहती हैं, उनके हार्डवेयर के जो कंपनीज के लोग हैं वो उसको परचेज करके लाते हैं और किसी भी रिगर के जरिए से उसको टावर पर चढ़ा, छोटा सा टावर बना लेते हैं। आपने देखो कंपनीज के ऊपर टावर बने होते हैं, छोटे छोटे टावर, उनमें छोटी डिशें भी लगी होती हैं, वो मैन के लिए हैं, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए होती है। तो एक ये एक टावर आप यहाँ लगा देंगे, एक जैसे माइक्रोवेव, एक माइक्रोवेव आप यहाँ लगा देंगे, एक माइक्रोवेव आप यहाँ लगा देंगे और तीनों को आपस में रब्ता करें, क्योंकि इतनी लंबी केबल नहीं बिछाई जा सकती। तो व्हेन असेसिंग लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज मोबाइल फोन्स सेलुलर सिस्टम आर ऑफन, ये इसको हम क्या कहते हैं, मैन के नाम से याद करते हैं। इसके अंदर मोबाइल नेटवर्क को भी किया जा सकता है, जैसे मैंने लोकल केबल भी चाहिए है, इसमें मोबाइल नेटवर्क भी यूज़ हो सकता है, इसके अंदर आपके जो छोटे सेट्स होते हैं वायरलेस सेट, उसके अंदर वो भी यूज़ किए जाते हैं, तो इनको आपस में लिंक करना मैन कहलाता है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलेंगे, और उम्मीद है इसको रिवाइज भी करें अच्छी तरह, इसको लर्न भी करें और इसको रिटर्न फॉर्म में लेकर आएँ ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए, और इंशाल्लाह ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम के लिहाज से भी, इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज आएगी उस पर इसको कवर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।